Good morning, students. I'm Renu, your English teacher. Today we will do poem number 2, Wind. Poet's name is Subramanya Bharati. This poem is about wind. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? Students, we know what happens when wind blows strongly. हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं. इट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. तो हम ऐसा क्या करें कि इसे अपना दोस्त बना लें? तो सुब्रमण्य भारती जो हैं वो इस पोएम के ज़रिए एक मैसेज देना चाहते हैं. आइए पढ़ते हैं साथ में. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Students, what poet here wants to say is, he is talking to wind. He personified the wind. विंड, हवा, हवा के साथ, तेज हवाओं के साथ बहुत ही प्यार से जो हमारा पोएट है वो बात कर रहे हैं. हवा, धीरे आना, खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो, पेपर्स को मत इधर उधर बिखेरो, जो शेल्फ पर किताबें पड़ी हैं उन्हें नीचे मत फेंको. देखो ये तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया, तुमने बुक्स के पेजेस टियर कर दिए, फाड़ दिए हैं. तुम फिर से बारिश को ले आई हो, तुम बहुत चालाक हो, तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाती हो. फेयर क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ. तुम कमज़ोर घरों को गिरा देते हो, चरमराते हुए दरवाज़ों को तोड़ देते हो, छत के फ्रेम्स को तोड़ देते हो, लकड़ियाँ और चरमराते हुए शरीर और जो कमज़ोर दिल हैं, क्रम्बलिंग हार्ट्स, उन सबको भी क्या कर देती हो, डरा देती हो, गिरा देती हो. द विंड गॉड विनोज एंड क्रश देम ऑल, और जो हवा के देवता हैं, जो वायुदेव हैं, वो भी इन सब चीज़ों को उड़ा ले जाते हैं और क्रश कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन सब को. ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, ये वो नहीं करेगा जो तुम उसे कहोगे. यहाँ पर अब व्यक्ति से बात हो रही है, एक इंसान से बात हो रही है कि देखो हवा क्या कर सकती है तुम्हारे साथ. तो हवा वो नहीं करेगी जो हम चाहते हैं. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आओ हम अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाएं. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, आओ अच्छे से दरवाज़ों को जोड़ें. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपने शरीर को ऐसा फर्म बनाएं, मतलब ऐसा इम्यून बनाएं कि जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर के पास ना आ सकें. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने हृदय को इतना दृढ़ बनाएं कि किसी की छोटी मोटी बातों से दुखी ना होने लग जाएं, और जो भी निश्चय करें उसे अच्छे से निभाएं. डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा करने से जो हवा है, जो वायु है, वो हमारी दोस्त बन जाएगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, आपने भी देखा होगा जो हल्की आग होती है उसको हवा बुझा देती है. ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लॉरिश, और जो तेज आग होती है, भयंकर आग होती है, हवाएं उसे और ज़्यादा बहा देती हैं और बहुत ही गरजाने वाली और ऐसी आग बना देती हैं जो कभी ना बुझे. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसकी दोस्ती बहुत अच्छी है. वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें हमेशा इसकी प्रशंसा करनी चाहिए. तो आपको इस पोएम से क्या मैसेज मिला, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. बच्चों, यहाँ पर ये बात कही गई है कि हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद की बॉडी को इम्यून बनाना है, खुद के विचारों को स्ट्रॉन्ग, इतना अडिग बनाना है कि किसी की बातों में ना आ जाएं, और
जिस तरह आग करती है वैसा ना करें, कमज़ोरों का मजाक ना उड़ाएं। तो बच्चों आपने इस पोएम को एक बार फिर अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।